अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक यूट्यूब का बैनर और इसके अलावा लोगो आर्ट किसे कहते हैं, ये आर्ट आर्ट क्या चीज़ है। तो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कि मैं अपना चैनल सर्च कर आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये मेरा चैनल खुल चुका है। तो जो भी बैनर होता है बैनर भी इसे कहते हैं, और पिक्स बैनर भी इसे कहते हैं, जो जो जिस पर मैं उंगली लगा रहा हूँ। और इसके अलावा जो के बैनर आर्ट भी इसे कहते हैं, चैनल आर्ट, लोग आप सर्च करते हैं ना हाउ टू मेक चैनल आर्ट या हाउ टू मेक चैनल बैनर, तो ये दोनों चीज़ें यही हैं। आपको मैं इस वीडियो के अंदर इसको बनाना सिखाऊंगा और लगाना सिखा दूंगा अपने वीडियो के अंदर ही। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने सिंपल अपने मोबाइल को जाना है यूट्यूब पर, आपने सर्च करना है यूट्यूब बैनर। तो हम सर्च का यूट्यूब बैनर या यूट्यूब आर्ट लिख लें या टेम्पलेट लिख लें। को मैंने डाउनलोड कर लिया, और अब हम सिंपल इसको कर लेना ओपन। पिक्चर आर्ट को आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई मैं जादू नहीं कर रहा, बिल्कुल आपके सामने इसको बनाकर सिखा दूंगा आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर। आपने इसको क्रॉल नहीं करना, सिंपल इसके प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है और इधर आ जाना है। आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपने थोड़ा सा और नीचे आना है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इधर से हमने जो टेम्पलेट हमने चूज किया हमने वो ही लेकर आनी है। तो जो हमें अभी डाउनलोड किया है, तो इधर से डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन किधर है, हमने उसको ही क्लिक कर लेना है। तो गाइस वो डाउनलोड होकर मेरे मोबाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो अब हम फिर से चल जाते हैं वापस और इधर से ये देखें ये आ चुकी है। हम टेम्पलेट को इसको कर देते हैं डन, इसको ये देखें तो ये आ चुके हैं। हमने इधर ये देखें ये एक एरो का साइन बना हुआ, हमने इसको सिंपल क्लिक करना है और एडिट इमेज पर हमने बिल्कुल चले जाना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह जूम कर सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा आपने वही करनी है। आपने जाना है इधर, आपने इधर टाइटल पर, अभी नहीं टाइटल पर क्लिक करना, मैंने गलती से कर दिया। तो हमने इधर इसको क्रॉल करना और गैलरी के अंदर हमने सिंपल चले जाना है। आपने बैकग्राउंड चूज कर लेना है एक ब्लैक कलर का, ये मेरे पास है, इसको ऐड कर लेते हैं हम। इसका हमने क्रॉल कर, गलती से मुझसे वो डिलीट हो चुका है, हमने जल्दी से जल्दी इसको हम क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। तो हमने वही पिक्चर एक आध पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, ये ही कर लेते हैं और इधर हम लगा लेते हैं इस तरह। और मैं आपको जो मैंने आपको चीज़ें बतानी है बाद में इसको कर लगा लेता, मैं खुद लगा लूँगा फिर आपके लिए मैं पहले बना दूँ। तो हमने सिंपल अपने चले जाना है, मैंने फ़ोटो जो डेज की हुई हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। पहले इनमें से एक आध फ़ोटो जो थी हमने लगा लेनी है, एक लैपटॉप की हमने फ़ोटो लगानी है, इसको कर देते हैं अनेबल। तो हमने इसको इस तरह करना है और इसको जूम करने के बाद ये जो हमारा लैपटॉप है ना, जो कि हमने अभी अपनी स्क्रीन के अंदर जो कि हम लेकर आए हैं, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, ये कुछ और छोड़ चुका है, इसको कर देते हैं हम इस तरह थोड़ा सा उधर, ये देखें हो चुका है। फिर हमने जाना है फिर अपनी गैलरी के अंदर, जल्द से जल्द रेज के अंदर चले जाना है, वहाँ पर ही चले जाने जहाँ कर आपकी एक आध फोटो पड़ी होगी। तो इसको हमने सिंपल इधर क्लिक करना है और इसके जाना आपने क्रॉल करना, क्रॉल करने के बाद आपकी जो आपकी एक आध फोटो होगी आपने उसको लेकर आना अपने काइन मास्टर के अंदर। तो मेरी ये फ़ोटो है, हमने इसको अपने एक फ़ोटो को लेकर आ जाना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये तीन फ़ोटो आ चुके हैं, हमें एक ही चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं स्मॉल। करने के बाद आप इधर इधर रख दें, ठीक है, इधर रख दें और इसको कर देते हैं अनेबल। तो इसको ये देखें तो इसको कर देते हैं हम अनेबल, इस तरह इधर तक हमें चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ठीक है। तो गाइस हमने इसको कर देना इधर थोड़ा सा इस तरह कर लें, इधर तक फिट हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा इसको इधर तक कर देते हैं। और फिर अब हमें अंदर का लिख लेते हैं, जो कि हमें जो माल पानी हमने लिखना है वो अंदर हम लिख लें। टाइटल के अंदर जाने के बाद अपने चैनल का नाम लिख दें, जो भी आपके चैनल का नेम हो आप वो हो लिख दें। और मैं लिख लेता हूँ जिम ओ एन एल ऑनलाइन टेक्निकल जिम ऑनलाइन मेरे चैनल का नेम है। तो मैं इधर इसको लिखने के बाद आपका ही ये जो हमारा चैनल है इसका ही हमने लिख लेते हैं। इसको हमने थोड़ा सा इधर ऐसे अच्छे से फिट कर देना है, इसको थोड़ा सा इधर हल्का सा और कर लेते हैं और इधर इसको
इस तरह हम इसको कर देते हैं फिट। ठीक है, इसका हमने कलर सेलेक्ट कर लेना जो कि आपको पसंद हो। तो मुझे यही पसंद है वाइट ही, तो हम वाइट ही रहने देते हैं। और हमने इधर इसको नहीं करना, हमने टेम्पलेट के अंदर नहीं जाना, इसको देते हैं। इसको अंदर जाने के बाद हमने इसको कलर रेड करना है। और इधर तो इसको हम कर देते हैं रेड, तो हम इसको ब्लू करके देखें, वो हल्का सा ब्लू हो चुका है। और फिर हमने वहीं पर ही चले जाना स्टॉक के अंदर। तो गाइस इसको एक बार एनेबल हो चुका है, हमने दूसरे वाले पर क्लिक कैसे करना है मुझे वो नहीं समझ आ रही। इस एक ही रहने देते हैं और सिंपल अब हमने क्या करना है, सिंपल आपने वो टाइटल लिखना है जो कि आपको पसंद हो। हम लिख लेते हैं वी मेक क्रिएट, तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर देना है ताकि आपका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट ना। तो हमने जल्द से जल्द वहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट हो चुका है। हमने अब इसको अनेबल कर देना है, इधर इसको हमें छोटा सा कर लेना है। और इधर हम इसको कलर दे लेते हैं, रेड कलर कर देते हैं। और ये लिखा आ चुका है आपके सामने, तो इसको हम वो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने फिर इसके अपनी गैलरी के अंदर तरफ चले जाना है। तो गैलरी के अंदर जाने के बाद हमने टाइटल लिखना है फिर से एक बार, हमने वहाँ पर चले जाना। मैंने कॉपी कर लर्न टू मोड, इसको हमने इस तरह कॉपी करना है और इसको हमने डिलीट कर देना है। इधर हमने पेस्ट करना है, तो ये पेस्ट भी हो चुका है। हमने इसको थोड़ा सा स्मॉल करना है और इसको हमने इधर फिट कर देना है। वो मेक लर्न टू स्क्रॉल उल्ट हो चुका है, इसको ऊपर करना है, उसको नीचे। पहले तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखें। तो हम इसको अब हम क्लिक कर लेते हैं सॉल्वेंट, ये गलत लिखा आ चुका है। टाइटल पर क्लिक कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं इसका। हाँ जी, तो हम इधर इसको इस तरह पेस्ट कर देते हैं। और इसका कलर हमें जो पसंद हो हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसका ब्लू कर देता हूँ और ये बन चुका है आपके सामने। आधे से ज़्यादा हमने जो है वो हमने टेम्पलेट अपनी बना ली है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके सामने बन चुकी है। हमने इसको जो ये साइडों वाला है ना, इसको हम बराबर कर देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उस लिए ही इसको ऐसे किया था। तो हम इसको बराबर कर देते हैं इस तरह सिंपल। फिर हमने जाना है अपनी गैलरी के अंदर, तो फिर हमने बैकग्राउंड को एक आज चूज कर लेना जैसे कि हमने पहले किया था। तो इधर से कोई आपको जो पसंद हो आप वही कर लें। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ इधर ऊपर, हमने इस तरह लगा लेना है। या तो आप कोई ग्रीन वगैरह कोई भी आपको जैसा कि पसंद हो आप वैसा ही लगा लें, मैं इसको यही लगा लेता हूँ। फिर ये एक आध इसको हम इधर ये देखें, ये थे अच्छे से अच्छा हो जाएगा। इसको हम ये देखें, वाओ इट्स मैजिक। हमने ये नहीं यही यूज़ कर लेते हैं, इसको कर देते हैं डन। ये देखें अच्छा हो चुका है, थोड़ा सा और इसको इधर तक हम कर देते हैं। ठीक है, हम इसको भी इस तरह लगा लेते हैं। और एक आध और हमने जो भी हमारा प्रॉब्लम होगी हम वो सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं एक बार। मैं एक चीज़ को तो बस सिंपल इसको हम डन कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो इसको इधर से सेव करना है और इधर से हम बिल्कुल सेव कर लेते हैं, इसको इधर से हम सेव कर लेते हैं। ये गैलरी के अंदर सेव हो चुके हैं आपके सामने। मैंने कोई जादू नहीं किया, बिल्कुल रियल के अंदर आप इससे बेस्ट स्टेटस बना सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अब बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, इंशाल्लाह कल इसको मैं लगाना सिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।